ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। परम पूज्य श्री साहिब जी मंच पर इस सत्संग स्थल पर बैठे हुए मेरे नेमी प्रेमी सम्मानी भक्त सज्जन भाई लोग और इस सत्संग स्थल में बैठे हुए भक्ति एवं शक्ति की स्रोत मेरी भक्तिमती माताएं और बहनें, इस वसुंधरा के गोद में खिलने वाले प्यारे प्यारे नन्हे मुन्हे बच्चों, मेरे लिए भी सद्भावना सत्संग समिति की ओर से निवेदन हुआ है, सुनिर्देशानुसार मैं आप सभी के बीच में कुछ देर सेवा में मैं भी उपस्थित हूँ। 25 और 26 मई काफ़ी दिनों से इस लम्हे का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो घड़ी आएगी, कब संत गुरुजनों के दर्शन हमें प्राप्त होंगे और उनका विचार सुनने को मिलेगा, और वो घड़ी आज उपलब्ध है। कल का कार्यक्रम हुआ, आज दूसरा दिन और संध्या बेला चल रही है। बहुत ही सुंदर आप लोग अपनी सुंदर उपस्थिति दे करके इस सहमति समिति का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और कल आप लोगों ने सुना, नाइट में गुरु शरण भैया जी के भजनों के माध्यम से आप काफ़ी लाभान्वित हुए। अभी हमारे साहिब जी लोगों के विचार सुन रहे थे, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि फूलों की कमी है न बागों की कमी है, फूलों की कमी है न बागों की कमी है, वेदों की कमी है न प्रचारों की कमी है, गुरुदेव तुम्हारे भक्तों को सहारे की कमी है, सहारे की कमी है। बहुत सत्संग प्रचार प्रसार अनेक प्रकार से, पुराणों के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, रामायण के माध्यम से और इस सत्संग के माध्यम से, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो किसी न किसी महापुरुषों से गुरुजनों से नहीं जुड़े होंगे। हर व्यक्ति कोई ना कोई संत गुरुजनों से जुड़े हैं और सत्संग का लाभ लेते हैं। मैं कल काफ़ी देर तक आप लोगों के बीच अपनी सेवा दी। मैं अनिल साहेब जी, श्री अनिल साहेब जी की बात सुन रही थी तो मुझे कुछ कहानी याद आ गई। मैं एक कहानी को पहले कह दूं ताकि फिर भूल ना जाऊं। आप सभी लोग ठीक हैं ना, खुश हैं कि खुशी चाहिए? कल मैं क्या कही थी, संत आते हैं खुशियों का उपहार लिए। आप लोग खुश हैं ना? और दो बात बताई थी कि चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दोए, और सुख दिए सुख होत है, दुख दिए दुख होए। जो चाहते हैं वो हम दे, सुख चाहते हैं तो सुख दे, खुशी चाहते हैं तो खुशी दे। आप सभी लोगों से मैं यही आशान्वित करती हूँ कि सभी लोग, आप लोग बहुत प्रसन्न होंगे, संत गुरुजनों के दर्शन और वाणी विचारों का लाभ ले रहे हैं। तो साहेब जी की बात सुन करके सबसे पहले तो मुझे एक भजन की कड़ी याद आई, सदगुरु नहीं मिले होते तो दर दर ठोकर खाते हम, सदगुरु नहीं मिले होते तो दर दर ठोकर खाते हम, चैन नहीं मिलता जीवन में रो रो कर पछताते हम, यारी दोस्ती में पड़ कर पान तंबाकू खाते हम, यारी दोस्ती में पड़ कर पान तंबाकू खाते हम, ऐसा भी हो सकता था
मदिरा भी पी जाते हम। देवी देवता रोज मनाते, बकरा बलि चढ़ाते हम। देवी देवता रोज मनाते, बकरा बलि चढ़ाते हम। माता पिता गुरु देवी देवता कभी नहीं जान पाते हम। कौन है असली देवी देवता? माता पिता और गुरु, इसको कभी नहीं जान पाते। कहाँ जानते हैं? यहाँ सत्संग में। बच्चों के खातिर एक दिन ओझा बैगा बुलाते हम। यदि सच्चे सदगुरु नहीं मिले होते तो क्या करते? बच्चों के खातिर एक दिन ओझा बैगा बुलाते हम। बच्चों के खातिर एक दिन ओझा बैगा बुलाते हम। जादू टोना ना लग जाए, जादू टोना ना लग जाए, माला ताबीज पहनाते हम, माला ताबीज पहनाते हम। सदगुरु नहीं मिले होते तो दर दर ठोकरे खाते हम। बोलिए सदगुरु देव की जय। मैं कल कह रही थी कि जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहुदिस धाय, आँख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। तो यदि हमें जीवन में सच्चा सदगुरु नहीं मिलता, तो अभी भजन के पॉइंटों के माध्यम से आप लोग समझ रहे हैं कि हमारी क्या गति होती, क्या दुर्दशा होती। ये कहानी, ये कविता, ये भजन मुझे याद आई, एक और कहानी याद आई। साहिब जी अंधविश्वास के बारे में बात कर रहे थे, जिसका हमारे सदगुरु कबीर साहिब जी घोर विरोध किए। कोई अंधविश्वास कोई पाखंड में न पड़िए, तो इस पर एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई। एक व्यापारी था, वो रोज कपड़ा बेचने जाता था और एक मंदिर को पार करके दूसरे गांव में जाता था। वो ऐसे ही बेचते बेचते बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, तो उस मंदिर में वो बैठ करके सुस्ताने लगा और कपड़ा बेचने जाता था। उस मंदिर का वो जो पुजारी था, वो सोचा ये व्यापारी जो है काफ़ी थक गया है, ये बूढ़ा हो गया है, मैं इसको एक गधा दे देता हूँ, ये इसमें सामान जो है लाद लेगा कपड़े को, और फिर अपना पेट जो है रोजी रोटी जो है कमाएगा, पेट पालेगा। इस प्रकार से पुजारी जो है दे दिया उनको गधा। अब उस गधे में लाद करके ले जाते थे सामान को। एक दिन क्या हुआ, अचानक गधा मर गया। वो व्यक्ति को बहुत दुख हुआ, पश्चाताप हुआ। उन्होंने क्या किया, उनकी एक समाधि बना दी और समाधि बना करके वहाँ पर कुछ फूल चढ़ाए, अगरबत्ती रख दिए जला करके, और रो रहे थे बैठ करके। गांव के कुछ लोगों ने देखा कि किसी की समाधि बनाई गई है और कोई इनका प्रिय व्यक्ति है जो मर गया है, ऐसे करके उन लोग भी वहाँ पर जा करके रोने लगे, उनके पास में उनके दुख में सहमति जताने लगे। ऐसे करते करते बहुत लोग इकट्ठे हो गए, सब फूल चढ़ाएं, अगरबत्ती डालें और सब उनके पास में रोते गए, चढ़ाते गए। एक दिन क्या हुआ, वो जो मंदिर का पुजारी था वो आया वहाँ पर, वो भी आया, इतनी प्रशंसा सुनी कि बहुत कोई मंदिर है, कैसे लगता है, क्या है, बहुत लोग फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं, अगरबत्तियाँ जलाई जा रही हैं। तो वहाँ पर वो पुजारी पहुँचा और उस व्यापारी के पास बैठ करके वो भी उनके दुख में हाथ बटाने लगा और कहा, भाई ठीक है कि तुम व्यापार करते थे, लेकिन यहाँ पर जो समाधि बनाई गई है और यहाँ पर लोग इतना चढ़ा रहे हैं फूल पत्तियाँ पैसे चढ़ा रहे हैं, ये किन की समाधि है? तो वो व्यापारी कहता है, चुपके से धीरे से कहता है कि पुजारी साहेब, आप किसी को कुछ कहिए गमत, आपने जो ये मुझे गधा दिया था ना, उसी की ये समाधि है, उसी की ये समाधि है। ये बात जब कहे
तब जो व्यापारी था, ये बात तो ठीक है कि ये समाधि जो आपने गधा दिया उसका ये बनाया गया है, लेकिन आप जिस मंदिर में बैठते हैं ना, जिसकी पूजा होती है कई वर्षों से, आप जहाँ पर पूजा करते हैं वो किन की समाधि है? तब वो पुजारी क्या कहता है, तुम भी किसी को मत बताना, तुम भी किसी को मत बताना, ये जो मंदिर है ना, ये गधे के माँ की समाधि है। किसकी? माँ की। एक कहानी से कहने का तात्पर्य ये है कि हम समाधियों की ऐसे किन की समाधि है पता नहीं, और ऐसे पूजा करते चले जा रहे हैं, अंधविश्वास में पड़ गए हैं। तो ये हुई अंधविश्वास की बातें, जो साहिब जी की बात मैं सुन रही थी तो मुझे ये याद आई। मैं कुछ अपनी ओर से और निवेदन आप सभी के बीच रखूं। कल काफ़ी देर से आप लोगों ने मेरी बात को बहुत सहृदय से, बहुत प्रेम पूर्वक सुन रहे थे। आज मैं मेरी बहनों, मेरी माताओं के लिए और संस्कारों पर मैं चर्चा करना चाहूँगी। हमारे जो बच्चे हैं, आने वाले पीढ़ी है, वो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई एमएलए बनेगा, कुछ ना कुछ बनेगा। मेरी बहनें जो हैं घर गृहस्थी को संभालने वाली, वो भी डॉक्टर इंजीनियर टीचर बनेंगी। लेकिन इन बच्चों में सच्चरित्रता, वीरता, साहस के गुण कैसे लाया जाए? आज के दौर में सबसे बड़ा रोग क्या है, सबसे बड़ा पॉल्यूशन क्या है? फैशन और व्यसन। फैशन और व्यसन ये सबसे बड़ा प्रदूषण है हमारे समाज की, जिसमें समय, शक्ति और धन को बर्बाद कर रहे हैं। इस विषय पर मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि चरित्र एक बहुत बड़ा गुण है। कहा गया है कि गुड कैरेक्टर इज द मेन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। गुड कैरेक्टर इज द मेन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। चरित्र ही जीवन की आधारशिला है, और उस चरित्र के बारे में पता नहीं है। हम सच में हमारे समाज को सुखी करना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं, तो आज इसकी सबसे बड़ी समस्या फैशन और व्यसन, और उसका परिणाम क्या हो रहा है, व्यभिचार वृत्ति बढ़ती जा रही है आज के समाज में। चरित्रता नाम की कोई चीज ही नहीं दिखाई देती है, तो उसके लिए दोषी कौन है? कोई व्यक्ति जो है ऐसे ही गलत नहीं बन गया, व्यभिचारी नहीं बन गया, हिंसात्मक नहीं बन गया, डाकू नहीं बन गया, आतंकवादी कोई व्यक्ति ऐसे ही नहीं बन गया, उसको बनाया गया। जैसे कि बबूल का वृक्ष, छोटा सा पौधा उगा, अंकुरित हुआ, हमने उसको उखाड़ा नहीं, तोड़ के फेंका नहीं, उसको बढ़ने दिया, उसको और पुष्पित पल्लवित किया गया, उसको पानी दिया गया, खाद दिया गया, और एक बहुत बड़ा बबूल का वृक्ष बन गया। इसी प्रकार से कोई बच्चा यदि गलत दिशा में, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके बनाने में कौन कारण है? माता, पिता और गुरु। कोई बच्चा गलत काम कर रहा है तो उसको हम रोकते नहीं हैं, टोकते नहीं हैं, और वो उसी दिशा में आगे बढ़ता जाता है। सुल्ताना को डाकू बनाने का कारण कौन है? वो माँ। जब सुल्ताना कैसे डाकू बना? जब छोटा बच्चा था तो वो कभी पेंसिल चुरा के लाता था, कभी पक्षियों का अंडा चुरा के लाता था, और माँ को दिखाता था, माँ देखो मैंने ये चीज़ लाया। माँ कभी रोकती नहीं थी, बेटा जा तू उसको रख के आ जा, किसी दूसरे का पेंसिल कॉपी लाया है उसको वापस कर दे, कभी ऐसा कहती नहीं थी। और धीरे धीरे वो बहुत बड़ा डाकू बन गया। उसको जेल में पूछा गया, अंतिम तुमको फांसी देने की सजा सुनाई गई है, तुम किसी से मिलना चाहते हो? तो कहा कि मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। और जब माँ से वो मिला तो क्या किया, उन्होंने माँ के नाक को ही और काट लिया।
उनको पूछा गया, तुम इतने बड़े अपराधी, तुमको फांसी की सजा होने वाली है, हम लोगों ने सोचा था शायद जाते जाते मरते मरते माँ को प्रणाम करेगा, और तुमने और उल्टा गलत काम कर दिया। तो वो बताया कि बचपन में जब मैं चोरी करता था, इन चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को चुरा करके लाता था, तो मेरी माँ मुझे रोकती नहीं थी, टोकती नहीं थी, जिसके कारण मैं इतना बड़ा डाकू बना और आज मुझे फांसी की सजा हो रही है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि बच्चों के बनने और बिगड़ने के तीन जगह हैं। पहला है घर। घर में, घर जो है पहली पाठशाला है। घर में जैसा हमारा व्यवहार रहेगा, जैसा हमारा कर्म रहेगा, वैसा ही हमारे बच्चे जो हैं देखेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे और वैसे ही करते जाएंगे। और दूसरा है स्कूल। स्कूल में भी बच्चे 4-6 घंटे ही रहते हैं, सबसे ज़्यादा तो घर में ही रहते हैं, लेकिन स्कूल में भी यदि सही शिक्षा नहीं दी जा रही है, टीचर जो है स्वयं दुर्व्यसन कर रहे हैं, तो बच्चों को अच्छी आदर्श, अच्छी प्रेरणा कहाँ से दे पाएंगे। और दूसरा, तीसरा होता है समाज। देखो ये समाज, ये सभा लगी हुई है, ऐसे जगहों में हम यदि अपने बच्चों को नहीं ले जाते हैं, और कहीं मेला, कहीं नाच, कहीं पार्टी, सिनेमा ये होता है, वहाँ अपने बच्चों को ले जाते हैं और भेज देते हैं, तो वहाँ हमारे बच्चे बिगड़ते हैं। तो ऐसी जगहों पर अपने बच्चों को लाएं और हम जैसा चाहते हैं बनाना, वैसे हम स्वयं काम करें। तो इस प्रकार से मेरी माताएं जो है पहली शिक्षिका हैं, पहली गुरु हैं। यदि माताएं शिक्षित हो जाए, एक कविता में कहा गया है कि माता तो सभी हैं पुत्र जन्मावनहारी, सच्ची माता है वही जो भाव से दे निकारी। माता मंदालसा थी जो पुत्रों को बनाया संत, सब तपुत्र संत बने जो किन्हें बंधन अंत। तो सच्ची माता कौन है? सच्ची माता है वही जो भाव से दे निकारी, जो संसार से मुक्त करने की शिक्षा दे, ज्ञान दे कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। ये मंदालसा अपने 6 पुत्रों को ऐसा ज्ञान सुनाती थी और 6 पुत्रों को संत बना दिए। एक पुत्र जो राजा बनना था वो भी बना, लेकिन उसको भी एक मंत्र दिया गया, तो अंत में वो भी संत की स्थिति में रहे। तो इस प्रकार से मेरी माताओं से निवेदन है कि आप जैसा अपने बच्चों का, बच्चों को बनाना चाहती हैं, तो आपको वैसे जीवन जीना होगा। और माताओं से मैं और निवेदन करना चाहूँगी कि आप अपने घर को स्वर्ग में बनाना चाहती हैं, तो कुछ बातें याद रखें मंत्र के रूप में, कि आप जब भी भोजन बनाएं घर में, वो भोजन प्रसाद होता है, जो संत गुरुजनों को, अपने परिवार वालों को हम लोग खिलाते हैं वो प्रसाद के रूप में। तो मेरी माताओं से, मैं गुजरात में रहती थी, अभी काफ़ी दिनों से छत्तीसगढ़ में हूँ, तो मेरी साध्वी बहनें यहाँ के बारे में कहती थी कि छत्तीसगढ़ में हम लोग जाते हैं तो माताएं जो हैं बिना स्नान किए भोजन बनाती हैं, तो अच्छा नहीं लगता था। तो आप लोगों से मैं यही निवेदन करना चाहूँ कि भोजन प्रसाद जो है सुबह से स्नान करके बनाया कीजिए, और भोजन बनाते समय, भोजन बनाने के लिए रसोई घर में प्रवेश करें माताएं, तो गुस्से से नहीं, टेंशन में नहीं, क्रोध में नहीं बनाइए भोजन, नहीं तो वो भोजन भोजन नहीं, जहर बन जाएगा। प्रेम से, करुणा से, अच्छे से भाव लेकर के रसोई में जाइए और प्रेम से भोजन बनाइए। और निष्ठा, मैं कहना चाहूँगी कि आप स्नान करके भोजन बनाइए, गुस्से से भोजन ना बनाइए, प्रेम से भोजन बनाइए। और माताएं जो हैं हाथ में अंगूठी पहने रहती हैं, मैं आप लोगों से ये भी निवेदन करूंगी कि आप नाच में, पार्टी में कहीं भी जाते हैं, वहां पर आप पहनिए, बट भोजन बनाते समय आप लोग अंगूठी ना पहने तो बहुत अच्छा होगा। और मैं ये एक और निवेदन भोजन के बारे में, घर गृहस्थी के बारे में माताओं से निवेदन कर रही हूँ
कि भोजन प्रसाद बनाती हैं तो मेरी माताएं कपड़े का प्रयोग जो करती हैं, कई घरों में देखने को मिलता है, जो भोजन उतारते हैं, सब्जियां, भात जो हैं, दाल जो हैं, पकड़ने का जो कपड़े रखते हैं वो पुराने कपड़े रखते हैं, है ना, जो पहना हुआ अंदर का पहना हुआ उन कपड़ों का आप प्रयोग ना कीजिए, नया कपड़ा खरीदिए, टावेल, साफी, कुछ भी हो तो नए कपड़े का यूज़ कीजिए। आप लोगों से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, तब वो जाकर के किसी संत गुरुजनों को खिलाने का रहेगा, प्रसाद बनेगा। तो आप लोग मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुने, और मैं कह रही थी फैशन और वैशन के बारे में, माताएं जो है श्रृंगार करें, ठीक है, श्रृंगार करती हैं साहेब जी, कपड़ों के बारे में बोल रहे थे हमारे श्री अनिल साहेब जी, वास्तव में सच्चाई का दीर्घ दर्शन करा रहे थे साहेब जी, तो कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, कपड़े जो हैं किस लिए पहने जाते हैं बताइए, अंग ढकने के लिए, कि अंग को दिखाने के लिए, ढकने के लिए ना, तो इस प्रकार से ऐसा कपड़ा पहने कि हमारे जो है शरीर जो है ढके हुए हों। आजकल फैशन के ज़माने में ऐसे ऐसे शॉर्ट कपड़े पहने जाते हैं जिससे पूरे बॉडी अंग जो है दिखते हैं। किसी ने पूछा कि हम लोग फैशन इतना करते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं, तो आपको क्या, आप लोगों पर ये क्या प्रभाव पड़ता है, आप लोगों को तो कुछ नहीं लगना चाहिए ऐसे करके। तो माताएं फ़र्क पड़ती है, फ़र्क पड़ता है, फैशन जब करेंगे, अंग प्रदर्शन करेंगे तो आपके मन में भी प्रभाव पड़ेगा और हम लोगों के मन में प्रभाव पड़ेगा। शरीर को सुंदर दिखाने के लिए आपका भी दैहिक मतलब देह बुद्धि है, आपका मन मैं सुंदर हूँ बहुत और सुंदर दिखूँ इसलिए आप अधिक श्रृंगार करती हैं। तो अति सर्वत्र वर्जे, ज़्यादा फैशन ना करें, जितना आपकी मर्यादा में है उतना ही आप श्रृंगार करें, फैशन ना करें। और कपड़ों के बारे में साहब जी बोल रहे थे, तो इस प्रकार से आप लोग सभी समझदार हैं, मेरी माताएं और बहनें और भाई लोग, तो व्यसन के बारे में भी बोल रहे थे। अब साहब लोग कहेंगे इतना बड़ा बड़ा मंच लगाते हैं, इतना प्रयोजन करते हैं, और इन लोग बस खाने पीने के बारे में ही, बस उसी के बारे में बोलते हैं, इतना खर्चा करते हैं। तो जब तक हमारा व्यवहारिक जीवन नहीं सुधरेगा, हमारा खान पान रहन सहन ही ठीक नहीं रहेगा, तो अध्यात्म की ऊंचाई की बातें हम लोग कैसे समझेंगे, मुक्ति की बात को तो बहुत दूर की बात है। हमारा पहले रहन सहन खान पान सुधरेगा तभी तो हम अच्छे लोगों के सानिध्य में आ जा पाएंगे। तो इस प्रकार से हम अपना खान पान रहन सहन सुधारें। मेरा समय अभी बचा हुआ है तो कुछ मैं और निवेदन करना चाहूँगी। आप लोग सभी लोग संत गुरुजन से मिलने आए हैं, और सद्गुरु कबीर साहेब की एक बहुत प्रिय साखी के बारे में सुनते हैं, जानते हैं। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। संत से मिलने के लिए तो आ गए हैं, लेकिन साहेब क्या कहते हैं, तज माया अभिमान, माया को अभिमान को तज दो, त्याग करके आओ, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे तब कोटि यज्ञ समान। फिर अगर अच्छी भावना को लेकर के, अभिमान को, अहंकार को, ईगो को त्याग करके आप माया का अहंकार कर कि मैं इस पद में हूँ, मैं सरपंच हूँ, पंच हूँ, कोई भी पद में हूँ, टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, इन सब चीज़ का, मेरे पास इतना जमीन है, जायदाद है, इन सब का अहंकार त्याग करके आप संत गुरु के चरण में आते हैं तो वो क्या हो जाता है, कोटिन यज्ञ समान। और आपको कोई यज्ञ करने की, अधिष्ठान करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर अच्छी भावना को लेकर के आते हैं तो ऑटोमेटिक आप सभी का कोटिन यज्ञ हो गया, है ना, कोटिन यज्ञ हो गया। तो इस प्रकार से संत मिलन को हम जाए। एक मुझे कहानी याद आ रही है,
मैं इसको बहुत ही जल्दी से समझाने का प्रयास करूंगी। कहानी बहुत लंबी है। इसी कहानी, इस साखी पर आधारित कैसे कौटिन यज्ञ होता है। एक संत 16 साल का मुनि जो है, संत जो है, एक घर में भिक्षा मांगने आया और उस घर में नई नई बहू आई हुई थी। इस कहानी को कहने के पहले एक मैं बात भूल गई, उसको कह दूं कि एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई। एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई। मेरी कहानी समाप्त। ये दुनिया की सबसे छोटी कहानी। एक बुढ़िया थी, बचपन में मर गई। आप लोग विचार कीजिए और कर रहे होंगे कि जब बुढ़िया थी तो बचपन में कैसे मर गई, है ना? जब बुढ़िया थी तो बचपन में कैसे मर गई, और जब बचपन में मर गई तो बुढ़िया कैसे हो गई? सही बात है ना? तो इस कहानी को समझने के लिए जो मैं कहानी स्टार्ट की थी उस पर मैं चर्चा करूं कि एक संत जी जो थे एक घर में आए भिक्षा मांगने के लिए। पहले अभी तो हम लोगों के सब आश्रम बने बने हुए, बहुत बड़े बड़े सकरी आश्रम देखे हुए ना, कितना बड़ा है। पहले ऐसे आश्रम नहीं रहता था और संत गुरुजन जो ऋषि मुनि थे भिक्षा मांग करके खाते थे। तो उस समय वैसे ही एक संत जो है भिक्षा मांगने के लिए भिक्षाम दही करके एक घर में प्रवेश किया। वहाँ से एक बहू रानी निकली भिक्षा देने के लिए और देखती है कि एक छोटा सा संत बहुत नया दिखाई दे रहा है, कम ही उम्र का। वो बहू रानी पूछ बैठती है कि आप इतना जल्दी कैसे आ गए? और संत जी क्या जवाब देते हैं? मुझे समय का पता नहीं, मुझे समय का पता नहीं। ये बात सुन रहे थे, घर में लेटे हुए थे उस बहू रानी के ससुर जी। देखो मेरी बहू को क्या हो गया है, संत तो बिल्कुल सही समय पर आए हैं, ठीक समय पर आए हैं। दोपहर का टाइम है, कहीं सुबह सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आ जाए तो पूछना बेहतर होता है, बट ये तो दोपहर का टाइम है जो दिखाई दे रहा है, फिर भी पूछ रही है कि इतना जल्दी कैसे आ जाए। और संत देखो संत बन गए हैं इतने बड़े, इनको भी टाइम का पता नहीं है। क्या जवाब दे रहे हैं कि मुझे टाइम का पता नहीं। ये जब प्रश्न उत्तर हुआ उसके बाद बहू जो है, संत जी जो है बहू से पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ आपकी उम्र कितनी है? वो बहू रानी कहती है कि मेरी उम्र अभी सिर्फ 5 साल की है। कितने साल की बताती है? 5 साल की। उनके ससुर जी बिस्तर में लेटे लेटे सुन रहे थे, उनको बहुत दुख हुआ। लगता है आज मेरी बहू पागल हो गई है, पूरे 20 साल की है और कह रही है 5 साल की, कैसे उल्टा सुल्टा ये जवाब दे रही है। तभी नेक्स्ट प्रश्न पूछता है संत जी कि आपके पति के उम्र कितने हैं? तो बहू रानी बताती है कि मेरे पति के उम्र तो अभी 2 साल के हैं। कितने साल के? 2 साल के। फिर उनके ससुर जी जो है माथा ठोक लेता है कि देखो मेरी बहू को मैं कितना ज्ञानी समझता था और ये तो पूरा संत जी जो पूछ रहे हैं उनका उल्टा सुल्टा जवाब दे रही है। तभी क्या होता है, नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं कि आपके सासू माँ की उम्र कितनी है? बहू रानी उत्तर देती है मेरी सासू माँ की उम्र 6 महीने की है। वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उनका ससुर जी, वो तो लेटे हुए थे, उठ करके बैठ जाते हैं कि देखो बहू रानी कैसे जवाब दे रही है, इनकी माता जी जो है 60 वर्ष की है, उनको 6 महीना बता रही है, इनकी खुद की उम्र 20 साल है उसको 5 बता रही है, इनके पति की उम्र 25 साल के हैं उसको 2 साल के बता रही है, ये कैसे उल्टा सुल्टा दे जवाब दे रही है। अब बारी आती है उनके, अब तो वो उठ के बैठ जाते हैं और बिल्कुल कान लगा करके सुनने लगते हैं कि अब ये मेरी क्या दुर्दशा करेगी, क्या हालत बनाएगी ये मेरी। तभी संत जी पूछते हैं तुम्हारे ससुर जी की उम्र कितनी है? तो बहू रानी जवाब देती है कि मेरे ससुर जी तो अभी पैदा ही नहीं हुए हैं, मेरे ससुर जी अभी पैदा ही नहीं हुए हैं। ये बात जब
सुनते हैं तो उनके ससुर जी हाथ में लाठी उठाते हैं और बताते हैं कि मैं 80 साल का बूढ़ा हो गया हूँ। कल की ये आई छोकरी कहती है कि मैं अभी पैदा नहीं हुआ हूँ, अभी मैं बताता हूँ कि मैं पैदा हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ। इस प्रकार से आने लगते हैं। संत जी जाते जाते एक और प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ बेटी, तुम इस घर में ताज़ा भोजन करती हो कि बासी भोजन करती हो? बहू रानी आंसर देती है कि इस घर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि इस घर में मुझे ताज़ा भोजन करने को मिले, मैं इस घर में जब से आई हूँ मैं तो रोज़ बासी भोजन करती हूँ। इस प्रकार से आंसर प्रश्न उत्तर हुआ। संत जी जाने लगे, चलने लगे, इधर ससुर जी आए और बहू पर बरस पड़े कि जब तुमको प्रश्न पूछने नहीं आता तो संत जी से कैसे पूछ ली कि इतने जल्दी क्यों आ गए? बहू रानी कहती है कि मैंने अपने हिसाब से, अपने बुद्धि से, अपनी समझ से मैंने बिल्कुल सही आंसर दिया। आपको यदि गलत लगता है तो संत जी को बुला लीजिए और पूछ लीजिए कि मेरा आंसर जो है गलत है कि सही। संत कहीं दूर नहीं गए थे, उनको बुलाया गया और ससुर जी उनको बोलने लगे, आज तक हमने यही सुना था, आज तक हमने यही सुना था कि घर में संत आते हैं तो वो घर पवित्र हो जाता है, और आज हमारे घर आप आए तो हम लोगों के घर में तो महाभारत छिड़ी हुई है। तो संत जी कहते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं, सही सही बताइए। तो मेरे बहू जो है आप आए भिक्षा लेने के लिए तो आपसे वो प्रश्न पूछे कि आप इतने जल्दी क्यों आ गए? मेरी बहू की ओर से मैं क्षमा मांगता हूँ, उनको प्रश्न पूछने नहीं आया, उल्टा सुलटा पूछ लिया। संत जी कहते हैं कि आपकी बहू रानी जो है ना बहुत समझदार है, बहुत ज्ञानी है, सुसंस्कारी है, वो बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं। हमारे जो प्रश्न उत्तर हो रहे हैं थे वो आपको गलत लगते होंगे, लेकिन हमारे प्रश्न उत्तर आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर हैं। तो बताइए कि आपको पूछा गया कि आप इतने जल्दी क्यों आ गए, तो इसका मतलब क्या था कि इतना जल्दी आप संत कैसे बन गए, इतना जल्दी आप संत कैसे बन गए? और मैंने जो उत्तर दिया, मैंने कहा समय का पता नहीं, इसका मतलब हाथ की घड़ी से नहीं जिंदगी की घड़ी से इसका मतलब है कि मौत का ठिकाना नहीं, जिंदगी का ठिकाना नहीं कि मौत कब आ जाए, इसलिए मैंने जल्दी से संन्यास ले लिया, साधु बन गया, मुनि बन गया। इसलिए मैंने कहा कि समय का कोई पता नहीं, आज हर चीज़ की वारंटी और गारंटी है कि ये वस्तु इतने दिन तक टिकेगी, बट जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है कि कब मौत आ जाएगी, इसलिए मैंने कहा कि समय का पता नहीं। और आगे जो है प्रश्न, ये बात उनको समझ में आ गई, फिर बात कहते हैं कि अच्छा ये बताओ बेटी तुम अपना उम्र 5 साल कैसे बताई हो? तब कहती है कि मैं अपने पिहर में, अपने मायके में अच्छे से घर में पली बढ़ी, मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन वह जिंदगी जिंदगी ही क्या जो सिर्फ खेलने खाने कूदने में ही बीत गए, वो सार्थक जिंदगी नहीं है मेरा। असली जिंदगी जब मैं ससुराल आई तब मेरे सहेली के साथ में सत्संग सुनने गई, गुरु के गुरु दीक्षा ली, तब मेरा असली जीवन शुरू हुआ। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, ऐसा कहें। तब मैंने गुरु दीक्षा लिया, धर्म के रास्ते में चली, तभी मैंने कहा कि मेरा उम्र भी सिर्फ 5 साल के हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार से बात फिर आगे बढ़ती गई, बारी आई उनके पति जी के, अपने पति जी की उम्र कितने बताए रहती हैं? 2 साल की, है ना। तो कैसे तुम्हारे पति 2 साल के? तो बताती है कि मैं बहुत अथक परिश्रम करके जब मैं सत्संग से जुड़ी, गुरु दीक्षा ली, तब मैंने सोचा कि मेरे पति जो है वो भी सत्संग में जाते, धर्म में लगते, दया क्षमा प्रेम करुणा इस धर्म के रास्ते पर चलते तो कितना अच्छा होता। अथक परिश्रम करने के बाद मेरे पति सिर्फ 2 ही साल हुए हैं उनको गुरु दीक्षा लिए सत्संग करते हुए, इसलिए मैं बताई कि मेरे पति का उम्र 2 साल की है। बात आती है उनकी सासू माँ की, तो अपने सासू माँ के बारे में भी बताती है कि
मेरी माँ जो है मेरी बात मानती नहीं थी और मैंने बहुत व्रत उपवास करके अपनी माँ को समझाई कि माँ सत्संग में जाया करो, संत मिलन को जाइए, तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरे तो कोटिन यज्ञ समान। इस प्रकार से मैं बात बताई तो मेरी माँ जो है समझी और अभी उनको सिर्फ 6 महीना ही हुआ है। और बात आती है ससुर जी के, तो जब आप हमारे घर में आए तो मेरे ससुर जी घर में ही थे, लेकिन आपको ना प्रणाम किया, ना नमस्कार किया, ना भाव बंदगी किया, ना आपको भोजन के लिए पूछा। मेरे ससुर जी की हालत तो ऐसी है, उनका खान पान रहन सहन सब बिगड़ा हुआ है। मांस खाते, मछली खाते हैं, शराब पीते हैं, रोज सुबह उठते हैं और दुकान में जाते हैं, बस इतना ही उनका धंधा है। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरे ससुर जी अभी पैदा ही नहीं हुए हैं, वो धर्म के रास्ते पर चलते ही नहीं, गुरु दीक्षा लिए ही नहीं, अच्छा कुछ काम करते ही नहीं, इसलिए मैंने कहा कि अभी वो पैदा ही नहीं हुए हैं। सारी बातें उनको ससुर जी को समझ में आई। मैं बहुत फास्ट, समय मेरा हो चुका है, इसलिए जल्दी जल्दी अपनी बात को रखने का प्रयास कर रही हूँ। तो इस प्रकार से उनके ससुर जी को समझ में आई बात और कहने लगी कि वास्तव में तुम तो कहने के लिए मेरी बहू हो, लेकिन आज से तुम मेरी गुरु हुई। लेकिन बेटी तुम संत जी से एक प्रश्न बहुत झूठ ही बोली हो पूरा, कि तुम रोज इस घर में ताज़ा भोजन करती हो और कही कि मैं रोज डेली बासी भोजन करती हूँ, ये तो सरासर झूठ बोली हो। तभी बहू रानी कहती है कि जो पहले का कमाया हुआ धन है, जो प्रारब्ध में जो मिला हुआ है, उसी को बस कमा रहे खा रहे हैं, अभी कोई पुरुषार्थ करते नहीं, कोई दान पुण्य करते नहीं, संत गुरु के चरणों में कोई सेवा बंदगी करते नहीं। तो जो पहले सुबह का बचा हुआ या शाम का बचा हुआ सुबह बासी हो जाता है, तो उसी प्रकार से पहले कमाया हुआ धन को खा रहे हैं, उसी पे हमारी जिंदगी चल रही है, इसलिए मैंने कहा कि हम लोग बासी भोजन करते हैं। इस प्रकार से सारी बातें समझ में आ गई और सेठ जी जो है कहने लगे कि अब से मैं दान पुण्य करूँगा, धर्म करूँगा और गुरु दीक्षा लूँगा। तो उसी दिन उनका जन्म हुआ। जब उस संत के पास में, गुरु के पास में झुके, तो संत जी ने कहा कि अभी अभी तुम्हारा पैदा, अभी अभी तुम पैदा हो रहे हो, अभी अभी तुम्हारा जन्म हो रहा है। आप लोग वो बुढ़िया बचपन में कैसे मर गई समझ गए होंगे, जिसने कोई धर्म का काम नहीं किया, कोई पुण्य का काम नहीं किया, वो बचपन में ही मर गए, मर गई बुढ़िया। तो अब हम काउंटिंग कर सकते हैं कि हम 1 साल के हुए हैं, कि 2 साल के हुए हैं, कि हम भी अभी पैदा नहीं हुए हैं, कि अभी अभी पैदा हो रहे हैं, हम गिनती लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे तो कोटिन यज्ञ समान। बहुत सारी बातें इस मंच के माध्यम से कल और आज मैंने कुछ कुछ आप सभी से निवेदन किया। आप लोगों ने बहुत प्रेम और श्रद्धा और भक्ति पूर्वक मेरी बातों को सुने। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं, और इस सद्भावना सत्संग समिति को भी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ मंगल कामना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। पूज्यवर श्री साहेब जी विराजमान हैं, बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, साहेब बंदगी साहेब।